तो आज हमारे साथ महिंद्रा की 2024 XUV 400 इलेक्ट्रिक, और इस गाड़ी को मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ। और आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि आज इस वीडियो में बात करूँगा ऐसे 3 प्रोस जो इस गाड़ी में आपको मिलते हैं और ऐसे 2 कॉन्स जिन पे काम हो सकता है। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को चालू करते हैं। तो पहला प्रो है इस गाड़ी का डिज़ाइन। यहाँ पे 2024 मॉडल में कंपनी ने डिज़ाइन वाइज कुछ चेंज नहीं किया, बट दिस कार लुक्स रियली कूल एज एन ईवी। क्लोज ग्रिल मिलती है, यहाँ पे आपको कुछ प्रीमियम कॉपर के इंसर्ट्स मिल जाते हैं, गोल्डन कॉपर इंसर्ट्स मिलते हैं। इधर आपको डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, साइड में भी आपको ये कॉपर इंसर्ट्स मिलते हैं और रियर में भी आपको सेम मिलता है। डिज़ाइन वाइज ये गाड़ी बहुत अच्छी है, अच्छा खासा रोड प्रेजेंस है, और कंपेयर टू दी रेगुलर आइस XUV 300 मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरा प्रो है इस गाड़ी के इंटीरियर्स। कंपनी ने 2024 XUV 400 के इंटीरियर्स पे बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे आपको ये ब्लैक और आइवरी का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्लश दिखता है। एक फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिलती है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, एक छोटी सी सनरूफ मिलती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, और साथ ही साथ इधर आपको कुछ पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिलते हैं डैशबोर्ड और डोर एरियाज़ के ऊपर। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी प्लश फील होती है ये गाड़ी अंदर से, और साथ ही साथ काफ़ी स्पेशियस भी है। तो हमारा तीसरा प्रो है इस गाड़ी की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि पिछले 19-20 दिनों से चला रहा हूँ, तो परफॉर्मेंस वाइज मुझे इसमें कोई भी लैक नहीं लगा। इधर आपको 3 डिफरेंट ड्राइव मोड्स मिलते हैं, फन, फास्ट और फियरलेस। साथ ही साथ परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है, 2 डिफरेंट बैटरी पैक्स मिलते हैं दोनों बैटरी पैक्स में, बस रेंज का डिफरेंस है, परफॉर्मेंस वाइज एकदम सेम है। इसका जो टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है जो मैं अभी चला रहा हूँ, इधर आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है। रियल वर्ल्ड कंडीशन में 250 किलोमीटर की रेंज मिलती है, काफ़ी पंची है जब इसे चलाते हैं। जो इसका फन मोड है उसकी स्पीड 90 km/h तक लिमिटेड है, उससे ऊपर ये गाड़ी नहीं जाती है। ये गाड़ी 5 घंटे लेगी घर के, अगर आप नॉर्मल स्लो चार्जर से चार्ज करेंगे 5 घंटे में ये गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। तो चार्जिंग कंपैरेटिवली अदर गाड़ियों से काफ़ी फास्ट है, और यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे ट्यून है, और इसकी टायर की जो ग्रिप है जब आप इसे हाई स्पीड कॉर्नरिंग करते हैं तो बहुत अच्छी है। इवन जो इसके ड्राइव मोड्स हैं जब आप उन्हें चेंज करते हैं, उस हिसाब से इसके जो स्टीयरिंग व्हील का वेट है वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। जब आप इसे फियरलेस मोड पे चलाते हैं तो इसके स्टीयरिंग व्हील सबसे ज़्यादा हैवी हो जाता है, जस्ट टू गिव यू मोर कॉन्फिडेंस वाइल ड्राइविंग। वहीं जो इसका फन मोड है वहीं पर इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होता है। तो यहाँ पर अगर हम अपने पहले कॉन की बात करें तो वो है इसके इंटीरियर्स में यूज़ होने वाले प्लास्टिक मटेरियल, बटन क्वालिटी, जिसे और अच्छा करा जा सकता है। यहाँ पे जो आपको एसी कंसोल के नीचे उसके ऑपरेशंस के बटन मिलते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि इधर फीचर वाइज भी थोड़े बहुत एडिशन हो सकते हैं, जैसे कि फ्रंट सीट्स में एटलीस्ट ड्राइवर सीट की आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलनी चाहिए, आपको पैसेंजर साइड कीलेस एंट्री मिलनी चाहिए, और आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लैकिंग फीचर्स हैं, क्वालिटी पे थोड़ा बहुत काम होने की अभी भी ज़रूरत है। साथ ही साथ इस गाड़ी के साउंड सिस्टम पे भी काम करने की ज़रूरत है। इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है, आपको अच्छा खासा ट्रेबल और बेस फील नहीं होता, तो कंपनी को अभी इसके साउंड सिस्टम में भी सुधार करने की ज़रूरत है। हमारा सेकेंड कौन है इस गाड़ी में मिलने वाले हेडलैम्प। इस गाड़ी के अंदर आपको रेगुलर हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, प्रोजेक्टर यूनिट्स नहीं मिलते, तो इसका थ्रो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने चाहिए, जिससे आपको एक अच्छा लाइट का थ्रो मिल पाए वाइल ड्राइविंग द कार इन नाइट। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि इसका जो रिवर्स कैमरा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, बट जब आप गाड़ी ऑन करते हो और रिवर्स मोड में डालते हैं तो इट टेक्स अ फ्यू सेकेंड्स फॉर द रिवर्स कैमरा टू स्विच ऑन, तो उस प्रोसेस को फास्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत ज़रूर है। तो दोस्तों ये थे 3 प्रोस और 2 कॉन्स जो कि आपको महिंद्रा की XUV 400 EV में मिलते हैं। इनमें से आपको क्या प्रो लगता है, आपको क्या कौन लगता है, वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।